साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, अपना प्रोफेसर पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्या छोड़ें क्या पढ़ें, क्या रणनीति होनी चाहिए 50 डेज। मैं लगभग पिछले 4 साल से ऑनलाइन टीचिंग में हूं, 3 टाइम GRF क्वालिफाइड हूं, PhD हूं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने का पढ़ाने का एक लंबा अनुभव रहा है। इस वीडियो में हम 3 चीजों पर बात करेंगे। पहला कि क्या बिगिनर लोगों के लिए जो क्या अभी तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको दिसंबर 2023 के एग्जाम के प्रति उनका क्या रवैया रहना चाहिए, तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। दूसरा, जो लोग दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो 50 दिन में वो क्या ऐसा करें कि वो एकदम इस एग्जाम को फोड़ दें। देखो, मैं 3 टाइम GRF क्वालिफाइड हूँ, UPSC की पढ़ाई करने के दौरान मैंने नेट की तैयारी की थी और मैंने ऐसी चुटकी बजाते हुए इसको फोड़ दिया। अब वो ऐसा क्या तरीका मैंने अपनाया था, ये सब चीजें इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि यार आप लोग कमेंट्स में सब लिख दीजिए UGC नेट दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर 2023 लिख दो, या फिर UGC नेट जून 2024 ऐसा कमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि मैं ये आइडिया लगा सकूं कि बेसिकली आप लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हो, कि आपका टारगेट क्या है, आपका फोकस क्या है, क्योंकि बिना टारगेट बिना फोकस के चीजें हो नहीं सकती। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई साहब 50 दिन किसी भी चीज को पास करने के लिए कम नहीं। तो एक तो आपके मन में ये उलझन चल रही होगी, घबराहट चल रही होगी कि केवल 50 दिन ही बचे हैं, लाजमी भी है इस घबराहट को चलने देना भी चाहिए, इससे आप जिंदा रहोगे, लगातार दौड़ते रहो। लेकिन मैं बताऊं कम नहीं है, अगर आपने पहले थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की ना, हल्की फुल्की भी, तो ये 50 दिन आपके लिए किसी क्रांति दिनों से कम है। मैं एक चीज को मानता हूं, आप भी मानोगे, कमेंट्स करके बता, चाहे आप पहले कितना भी तगड़ा पढ़ लो, राइट, और एग्जाम के टाइम पर अगर आपने पढ़ा नहीं ना तो सब गुड़ गोबर होता। और चाहे कोई बंदा पहले स्टार्टिंग में इतना ना भी पढ़े, लेकिन एग्जाम के टाइम पर आकर वो अगर ढंग से पढ़ लेता है ना, भाई साहब उसका कल्याण होता है। तो ये समय वही है, चाहे पहले आपने लापरवाही की हो, चाहे कुछ भी की हो, मैं आज ऐसा गुरु मंत्र देने वाला हूं इस वीडियो में कि 50 दिन में आप निश्चित कर लोगे कि इस एग्जाम को कैसे पास किया जाए। शुरू करें आज की जर्नी। तो एक तो हनुमान जी की तरह बल भूला मत बनो, 50 दिन है, अपनी ताकत को पहचानो, डू इट, हम कर ले। तो कमेंट्स करके बताओ कि आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि एग्जाम के पास में अगर कोई पढ़ाई करता है तो वो इस एग्जाम को पास कर लेता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखना, सभी लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन कुछ लोग ही सफल क्यों हो पाते, इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज के टाइम पर क्या पढ़ना है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या छोड़ देना, यानी क्या पढ़े क्या छोड़े की ही ये सबसे बड़ी लड़ाई। एग्जाम के टाइम पर हमारे पास ही कंफ्यूजन हो जाता है, इतने सारे नोट्स हो जाते हैं, इतनी सारी किताबें हो जाती हैं, और एक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हमको यहाँ पर बढ़ जाता है। तो क्या छोड़ें कि राजनीति में आपको सबसे पहले कुछ स्ट्रक्चर काम करना होगा, आइए ताकि हम इस चीज को समझ लें कि हम किसको क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या करना है। भाई रणनीति में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं कह रहा हूं कि अपना प्रोफेसर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आप UGC नेट की तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ओके, क्या छोड़ें क्या पढ़ें। सबसे पहले आप कहोगे गुरु जी ऐसा नया क्या बताने वाले हो, आपके मन में क्या हो। सबसे पहले जो टाइम है ना, इसका मैनेजमेंट सीख। अब आप कहोगे सर टाइम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे 2 महीने, ये इसीलिए तो मैं आया हूं ना भाई, इसीलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, जो इतने सारे 4 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो इसीलिए हमारे साथ जुड़े, ताकि कुछ उनको अच्छी बात। टाइम का मैनेजमेंट आपको कैसे करना है इस चीज को समझना। देखो हमारे पास ना पेपर 1 है और पेपर 2। देखो सबसे पहले तुम पेपर 1 को भी कम मत समझो और पेपर 2 को भी कम मत समझो, ये एक साथ चलने का समय। ऐसा नहीं कि आपने पेपर 2 पर ध्यान नहीं दिया पेपर 1 पढ़ दिया, या पेपर 1 पर ध्यान नहीं दिया पेपर 2 पढ़, ऐसे नहीं, आपको दोनों पैरेलल करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा,
आप जानते हो ऑनलाइन क्लास तो आप देखते होगे, आप ऑनलाइन क्लास तो जरूर देखते होंगे, मुझे पता है, चाहे आप वाईटी पर देखते हो या फिर आपने अपना प्रोफेसर पर देखते हो, कहीं कहीं तो आप देखते हो। देखो क्या होता है, ऑनलाइन क्लास देखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इससे फायदा क्या होता है, आप सिटिंग पावर बनती है, आप ज्यादा समय तक चीजों को पढ़ पाते। जैसे मैं कहूँ कि आपको ये किताब पढ़नी है और इस किताब को आप पढ़ना चाहते हो, डायरी है तरीके से, कॉपी, आप खुद से पढ़ोगे ना तो एक घंटा आधे घंटे में आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत तगड़ा काम कर लिया है, या तो आपको नींद आना शुरू हो जाएंगी या फिर घर में से आपसे कोई कह देगा फलाना काम कर ले, और वहां पर आपकी पढ़ाई ब्रेक हो जाती है। सेल्फ स्टडी मतलब हम लॉन्ग समय के लिए नहीं पढ़ सकते, लेकिन सेल्फ स्टडी के बारे में बतलाने वाला तो एक रणनीति का समय का मैनेजमेंट में क्या है, ऑनलाइन क्लास देखो तकरीबन 4-5 घंटे ऑनलाइन क्लास। अब लेकिन पूरी क्लास ऑनलाइन ही नहीं देखनी, क्योंकि ऑनलाइन देखोगे, देखते जाओगे तो आपको लगेगा आपको सीख ही नहीं पा रहे, तो आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ स्टडी से क्या होता है, आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है। तुम 4 पन्ने पढ़ लो और 4 पन्ने पढ़ने के बाद आपको अंदर से लगेगा कि मैंने कुछ सीखा है। ये ह्यूमन बॉडी है, उसी तरीके से काम कर, तो सीखने वाला भाव हमको यहां पर नजर आता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरी ऑडियो पता नहीं कैसे आ रही थी, कैसे नहीं आ रही थी, क्योंकि माइक मैंने दूर रख रखा था, अब माइक मेरे पास आया है, माइक तुम्हारा रखा था। तो हमको क्या करना है, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट में हमको इस तरीके से करना है कि हमको ऑनलाइन भी पढ़ना है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने से हमका सिटिंग पावर हमारा इंक्रीज हो जाता है, सिटिंग पावर हमारा बढ़ जाता है, ताकि हम ज्यादा समय तक चीजों को पढ़ सकते हैं, ज्यादा चीजों तक। देखो तो यहां पर क्या है, हमको बंटवारा कर लेना है कि भाई पेपर वन की हमको वीडियो क्लासेज एंड सेल्फ स्टडी, इनका एक आपको मैनेज करके चलना है पेपर वन का, कि भाई यहां पर मैं 1 घंटे अगर मैं वीडियो क्लास देख रहा हूं तो 1 घंटे मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। अब सेम सिचुएशन हमको यहां रखनी है, ये हमारी वीडियो क्लासेज के लिए है और ये हमारी सेल्फ स्टडी के लिए है। यहां पर अगर हमको वीडियो क्लासेज मान लो 2 घंटे देखनी है तो सेल्फ स्टडी हमारी 1 घंटे करनी है। देखो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मैं खुद भी ऑनलाइन पढ़ाता हूं, आप लोग यूट्यूब पर क्लास भी देख रहे होंगे, आपको सेल्फ स्टडी चाहे दिन के आप 1 घंटा ही करो, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए समय बना के रखो, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आपका टाइम मैनेजमेंट होता है और मन में यह भावना जागृत होती है कि मैंने कुछ आज पढ़ा है। लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि तुम ऑनलाइन क्लासेज मत देखो, देखो उससे क्या कि आपका सिटिंग पावर बढ़ेगा और आप 1 दिन में ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या है कवर कर पाओगे। जैसे कि आप किसी टीचर की 3 घंटे की क्लास को आसानी से देख सकते हो, जबकि मैं आपसे ये कहूंगी तुम 3 घंटे बैठकर पढ़ लो तो शायद उतना संभव नहीं है 3 घंटे बैठकर पढ़ना या रेगुलर बेस पर पढ़ना। इसलिए टाइम मैनेजमेंट में तुम वीडियो क्लासेज को और अपनी सेल्फ स्टडी को बराबर रखना है। आप अब एक ध्यान रखना है कि भाई अब कौन सा समय है, कुछ लोग है केवल PYQs में लग रहे हैं। देख भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा 50 दिन बहुत है और अभी PYQs निकालने का समय नहीं आया है। मेरी रणनीति का टाइम मैनेजमेंट यह कहता है कि अभी आप जितना हो सके क्रैश करो चीजों को, क्रैश कोर्स में डालो, यानी आपको क्रैश कोर्स करो। क्रैश कोर्स होता है थ्योरी का, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस होती है, क्रैश कोर्स होता है थ्योरी बैच का। यानी कि मैं ये कहूंगा कि ये कोई किताब है मेरे सामने, इस किताब को तुम ऐसे 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 करके थोड़ा 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 पढ़ो, या फिर आपके पास जितने भी नोट्स हैं वो पढ़ो। अभी तुम PYQs की तरफ मत जाना, ये एक अच्छी रणनीति का हिस्सा नहीं है। हाँ एग्जाम से जब 20 दिन बच जाए, जब लगे कि यार 20 दिन है हमारे एग्जाम में, तब आपको PYQs करने हैं।
तो अभी हमको थ्योरेटिकल पार्ट देखना है, केवल पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के भरोसे एग्जाम पास नहीं होती है, हमको उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो हो क्या रहा है कि एग्जाम का नेचर ऑफ जो एग्जाम है ना वो लगातार बदलता जा रहा है। एग्जाम का लेवल अब पहले जैसा नहीं रहा है। आज मान लो 2023 जून के लेवल अलग है, दिसंबर का लेवल अलग आएगा, या इसके अलावा जो जून 24 का दिसंबर 24 का लेवल ही अलग आने वाला है। तो ये चीज आप ध्यान रख के चलना है कि भाई साहब केवल एमसीक्यू पीवाईक्यू से काम नहीं बनेगा। तो अगला बिंदु जो तुमको नोट करके रखना है एग्जाम से एग्जाम से 20-22 दिन पहले पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। अभी समय थ्योरी के रूप में क्रैश कोर्स करने का है। देखो मैं नहीं जानता और शिक्षक क्या कहते हैं आपसे, मैं देखता भी नहीं हूं क्लासेज क्योंकि मेरे पास खुद के पास इतना समय नहीं है, मैं तो हमेशा पढ़ाने का ही काम करता हूं। लेकिन ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि अभी 50 दिन है, बहुत समय है, अभी तुम गलती से भी बहुत ज्यादा एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज में मत पढ़ना। क्योंकि रीजन क्या है कि आप जितने भी यूट्यूब वगैरह पे जो सेशंस देखते हैं खासकर पीवाईक्यूज एमसीक्यूज के, टीचर ने क्वेश्चन दिया निकाला, क्वेश्चन दिया निकाला, क्वेश्चन दिया निकाला, समझाता है नहीं। अब होता क्या है कि आप एक घंटे की क्लास ली मैंने, चाहे कोई टीचर कितना भी जल्दी करे तब भी एक घंटे क्लास में 20-25 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करा। सहमत हो आप इससे, इस बात से सहमत हो आप? और अगर वही एक घंटे में आप खुद से एमसीक्यूज पीवाईक्यूज निकालने बैठोगे टेस्ट सीरीज, तो एक घंटे में आप 50 क्वेश्चन भी फोड़ दोगे, 45 क्वेश्चन भी फोड़ दोगे, लेकिन क्लास में आपसे 20-22 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। ध्यान रहे इस चीज का। तो अभी बहुत ज्यादा समय डिस्ट्रैक्ट मत करो, अभी थ्योरी के रूप में क्रैश कोर्स करो, एग्जाम से 20-25 दिन 22 दिन पहले आप पीवाईक्यूज करना शुरू करो, ठीक है? ये एक हमारा रणनीति का पूरा हिस्सा रहने वाला है, इसी तरीके से हम काम करेंगे। सेल्फ स्टडी पर ध्यान देंगे, पीवाईक्यूज को अभी नहीं करेंगे। और बात कर लेते हैं अगर पीवाईक्यूज की हो ही रही है तो, देखो पीवाईक्यूज की हो ही रही है ना तो मैं ये कहूंगा पीवाईक्यूज है ना ये नेचर को समझाते हैं आपके। देखो मैं बता रहा हूं आप जो पीवाईक्यूज करोगे वो डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन उस जैसा आता है, इसलिए हमको क्वेश्चंस को करना सीखना है, पढ़ना सीखना है। अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आ गया तो भाई इस क्वेश्चन से कैसे डील करेंगे ये सीखना है। जैसे अभी उदाहरण के रूप में जो अपना रैपिड फायर जो बैच चल रहा है, हाँ बताओ भाई जो रैपिड फायर में है वो बताओ, रैपिड फायर वाला जो बैच चल रहा है अपना, अभी जो रैपिड फायर वाला चल रहा है उसमें मैं नेचर ऑफ द एग्जाम को सिखा रहा हूँ, इसी चीज को सिखा रहा हूँ अभी मैं आपको। ये जो अपना ये रैपिड फायर ये वाला बैच जो चल रहा है प्रैक्टिस रैपिड फायर बैच, इस बैच में मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, पहले थ्योरी समझा रहा हूँ क्रैश कोर्स टाइप, थ्योरी समझा रहा हूँ क्रैश कोर्स टाइप, और फिर मैं पीवाईक्यूज कर रहा हूँ, पीवाईक्यूज में भी वैसे करवा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन से हम कैसे डील करें, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करना है। यानी आपको मैं क्वेश्चन करवाना सिखा रहा हूँ, आपको ट्रिक लगाकर सिखा रहा हूं कि कैसे कैसे ऑप्शनों को काटना है। तो आप इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ये अभी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अगर जो 2-4 क्लास निकली हैं वो क्लासेज का रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, डाउट क्लियरिंग सेशन हम लेते हैं अलग से, वहां पर आप डाउट क्लियर कर लेना, और साथियों यहां पर सारी क्लासेज लाइव मिलेंगी, ये आप कर लेना। केवल अभी ऑफर चल रहा है हमारा, आपको तो पता ही है हमारा अभी 4,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो इसलिए हमने साथियों एक ऑफर चला रखा है सेलिब्रेटिंग 14K यूट्यूब सब्सक्राइबर, तो ऑल प्रोडक्ट पर हमारा 50% का डिस्काउंट है। तो आप चाहो तो हमारे हिंदी साहित्य के, शिक्षा शास्त्र के, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट के बैचेज को ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारे एप्लीकेशन पर आप लोगों को मिल जाएंगे, जाइए। और हाँ एक और मैंने तगड़ा ऑफर चला रखा है, जो भी हमारा कॉम्बो बैच लेगा जिसमें थ्योरी बैच मिलेगा, जिसमें सब्जेक्ट का थ्योरी, पेपर वन का थ्योरी, और साथियों यहाँ पर रैपिड फायर बैच का भी फ्री यहाँ पर रैपिड फायर बैच आपको दिया जा रहा है। तो यार ये डिटेल आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो हमारा ऐप है अपना प्रोफेसर, इसको डाउनलोड करो। अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो अभी के लिए इस ऐप से काम चलाओ, बाद में हमारा ऐप आ जाएगा। आप माई इंस्टीट्यूट करके ऐप डाउनलोड कर लेना और उसमें ये वाले ORG कोड डाल देना, SYGCOJ, ये वाला ORG कोड डाल देना, और उसके बाद में साथियों ये इंटरफेस है हमारा। UGC नेट की तैयारी करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा,
और यहाँ पर पीएचडी के एडमिशन की जानकारी मिलती है, सिलेबस मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी सब की करवाते हैं हम तैयारी। आप चले जाइए साथियों यहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले बैच सेलेक्ट करना है कौन सा ज्वाइन करना है और उसके बाद में बाय नाउ पर क्लिक कर देना है और साथियों फिर आपको पेमेंट कर देना है, डायरेक्ट आपको क्लासेस देखने को मिल जाएगी। तो ये जादू है अपना प्रोफेसर ऐप का। इसलिए साथियों यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, आपको पूरे क्लास लाइव मिलेंगी, बाद में उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मैं आपको एग्जाम सेंट्रिक नोट्स अलग से दूंगा जो एग्जाम से 10 दिन पहले दूंगा, स्ट्रक्चर पीडीएफ नोट मिलेंगे, डिटेल में हर चीज को मैं समझाते हुए चल रहा हूं। तो अपना प्रोफेसर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 50 दिन कम नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से पढ़ने के लिए, किसी भी तरीके से समझने के लिए। तो अब है ना यहाँ पर एक समय का फिक्स कर लो, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो 50 दिन में आप गर्दा उड़ा दोगे, ये मेरा वादा है। तो आप में से कितने लोग हैं जो इस 50 दिन को फोड़ना चाहते हैं? देखो मैं कहूं कि भाई जितने भी जरूरी काम है ना 50 दिन तक होल्ड पर रख दो, टूट पड़ो यार इस एग्जाम। अगर आपने ये एग्जाम फोड़ दी ना, यकीन मानो तुमको 40,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, रैपिड फायर बैच ज्वाइन कर लो, मैं आपको प्रत्येक चीज वहां पर सिखा रहा हूं, अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास भी हमारी वहां पर चल रही है। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया है तो। बैच अर्जुना में आप क्लास फ्री देखना चाहते हो तो रात को 9 बजे हम बैच अर्जुना लेकर आते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, लव यू ऑल, शुक्रिया।